एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। कमेंट करके बताइएगा सब लोग कैसे हैं आप। और यहाँ पे वही सुबह का हमारा जो होता है का हाउस वाइफ का काम, सुबह सुबह का वही सब शुरू हो गया है। यानी कि वही हमारे झाड़ू पोछे डस्टिंग घर को सेट करना, यही सब लाइफ रह गई है बस। सुबह से उठो, सच्ची बताऊं कितनी बार तो बोर हो जाते हैं, ये लगता है वही सब घिसे पिटे काम हैं, उनको ही हम करते रहेंगे सूट करके। हम तो बोर होते हैं, आप लोगों को भी बोर करती रहूंगी यही सब काम करके। क्या करें, काम ही वही है, जॉब वगैरह कुछ भी नहीं है, बस यही है। घर से सब सेट करके अंदर से झाड़ू लगा के लेके आ गई हूँ यहाँ गेट पे, और झाड़ू लगाने के टाइम पे ही मतलब अभी यहाँ आ गए हैं भैया दूध देने के लिए। सुबह का ही टाइम हो रहा है, सुबह सुबह देखिए आ गए ना, सुबह सुबह दूध भी आ जाता है, यानी कि भाभी घर हमारा दूध एक साथ आता है। तो भैया पहले इधर दे जाते हैं, यहाँ से मैं अपना दूध निकाल लेती हूँ, बाकी का दूध भाभी को दे देती हूँ। तो इस तरीके का ही हमने यहाँ पर डब्बा ले रखा था 5 लीटर का, तो यहाँ दूध दे के भैया चले गए। उसके बाद में डस्टिंग कर रही हूँ, डस्टिंग यहाँ दरवाजे पे भी डेली करनी होती है, नहीं तो जाली के दरवाजे हैं ना, इनकी जाली जो थोड़ा छोटे छोटे ना इन दिनों में ये क्या बोलते हैं जाले जैसे लग जाते हैं और धूल मिट्टी इकट्ठी हो जाती है तो अच्छा नहीं लगता। और कहते हैं ना मेन जो गेट रहेगा या बाहर के हमारे दरवाजे, वहाँ साफ सफाई से पता चलता है कि हमारा घर साफ है या नहीं है। अगर वही गंदा रहेगा तो अंदर साफ करने का भी कोई फायदा नहीं है, इसलिए अच्छा है कि अपने दरवाजे पे भी अच्छे से साफ रखें तो अंदर घर भी अच्छे से साफ सुथरा ही दिखेगा। तो बस मैंने डस्टिंग झाड़ू सब कर दिया, गीता ने पीछे से वहाँ से पोछा लगाना शुरू कर दिया, तो यहाँ गीता पोछे लगा रही है। वैसे गीता को ये वाला जो पोछा लगता है लगाती है ना, इसको बड़ा मतलब थोड़ा सा होता है ना कि जैसे। हेलो एवरीवन, राधे राधे, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। तो वीडियो शुरू कर लेते हैं। सुबह का ही टाइम हो रहा है, 8:30 बज रहे हैं, 8:35 हो रहे हैं अभी इस टाइम पे, और काफी काम मतलब काफी का वैसे झाड़ू पोछे वाला सारा काम खत्म हो गया है आज, बहुत जल्दी से हो गया है ना। और किचन में भी काफी तैयारियां हो चुकी हैं, दूध गर्म हो गया, और उधर मैंने जो साबुत मसूर होती है ना उसको भी उबलने के लिए रख दिया था, ये दोपहर के लिए बनेंगे दाल चावल, तो वहां पे मैंने वो उबल गई है, अभी बनाई नहीं है, उसको बनाऊंगी। लेकिन उससे पहले नहा के आऊंगी और पूजा करनी है, लड्डू गोपाल नहवाने हैं अपने। तो बस सारा काम वैसा झाड़ू पोछे वाला सब खत्म हो चुका है, बच्चे अभी सो के नहीं उठे, 8:35 हो गए। आज गन्नू की क्लास है, 9 बजे से रहेगी, हम गन्नू को उठाने की तैयारी हो रही है, और गीता का बस अकेली का नाश्ता हुआ है। पता नहीं क्या हो रहा है, आंखों में ना जलन जैसी हो रखी है। तो चलिए मैं इनकी वीडियो पहले शुरू कर लेते हैं और बाद में आप लोगों से मिलती हूँ मैं, और लड्डू गोपाल जी नहवाऊंगी, पहले मैं नहा के आ जाती हूँ, उसके बाद में आप लोगों से मिलूंगी, तब बातें करूंगी। और आज साधना जी है जो उनके उन्होंने मुझे जो मतलब पूछा था उसके बारे में भी मैं आप लोगों से बातें करूंगी, आगे बताऊंगी सारी बात डिटेल में अच्छे से। तो प्लीज वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उन्होंने 2-3 दिन पहले मुझे कुछ पूछा था और 2-3 दिन से वीडियो मेरा ऐसे चला रहा है, मैं नहीं बता पाई उनको, लेकिन हाँ इस वीडियो में जरूर बताऊंगी मैं। तो चलिए मिलती हूँ कुछ देर में और अच्छे से बताऊंगी डिटेल में, तो प्लीज सब लोग ही ध्यान से सुनिएगा जो उन्होंने पूछा है। ऐसे तो मैं बता चुकी हूँ, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं बता दूंगी फिर से। तो चलिए कुछ देर के बाद मिलती हूँ। तो यहाँ मैं नहा करके आ गई हूँ, लड्डू गोपाल जी नहा दिए हैं, पूजा वगैरह सब हो गई है मेरी, और उसके बाद दाल में चढ़ा करके गई थी, बन गई है, तो यहाँ दाल छोंक दूंगी। उसके बाद में जो किचन में हमारा काम फैला हुआ है उसको समेटेंगे। मैं वही बोली ना, वही सारे काम है जो डेली के होते हैं। दाल है मुझे मतलब प्याज का टमाटर लहसुन का जो पेस्ट बना करके नहीं बनाते हैं ऐसे अच्छी लगती है। जो बाकी दाल में तड़का तो छोटे छोटे कट करके भी डाल दो या चॉपर में चॉप करके, लेकिन इस वाली दाल में मुझे ये टमाटर प्यूरी और प्याज का पेस्ट बना करके ही तड़का अच्छा लगता है। यहाँ पे दाल छोंक दी मैंने, उसके बाद अब इसे पकाऊंगी 4 से 5 मिनट। एवरीवन, तो यहाँ पे दाल पकने रख दी है, जो कि आज दाल चावल बनेंगे ही दोपहर में। दाल मैंने अभी बना दी है, टाइम हो रहा है 10:30 बजे का, और ये वाली दाल है मेरी भी और ईशु की भी फेवरेट है, ईशु को बहुत पसंद है ये जो दालें रहती है ना, सबसे ज्यादा दालों में ईशु को यही वाली दाल पसंद है साबुत मसूर की, और इसके साथ में चावल। और किचन में नाश्ता हो गया है, बाकी का अभी फैला पड़ा है काम,
बर्तन पड़े हैं सिंक में, कुकर वगैरह पूरे भरे हुए सब। अब स्लैब साफ करूंगी सारी और बर्तन साफ करके अच्छे से। बाकी का काम सब हो गया, बस किचन का यही बच गया था काम करने के लिए। तो अब दाल छौंकने से क्या है, अभी रख दिए दाल छौंक करके, दोपहर में सिर्फ सिंपल जब ये रहेगा कि चावल बनाने का काम है। अब क्योंकि गर्मी में ना किचन में दोपहर में जो खाना बनाने का होता है ना प्रॉपर, वो काम करने का मन नहीं करता बिल्कुल भी, क्योंकि उसमें आलस आता है। अब इस टाइम पे सब्जी दाल कुछ भी बन जाती है तो ये रहता है कि दोपहर में सिर्फ रोटी या सब्जी जो भी रहेगा बनाने का वो काम रह जाएगा, तो इसलिए दाल बना दिए। और इसको अभी एक भगोने में जब अच्छे से, अभी थोड़ा सा उबलने में टाइम लगेगा क्योंकि दाल को छौंकने के बाद भी कम से कम 4 से 5 मिनट में पकाती हूँ, उसके बाद ही फिर एक भगोने में भर के रख के कढ़ाई भी साफ होके रख जाएगी और किचन भी पूरी अब अच्छे से क्लीन हो जाएगी। गन्नू की अभी क्लास चली रही है तो चलिए मैं ये सारा सामान पहले समेट लेती हूँ। ईशू को दूध बना के दिया है क्योंकि सुबह सुबह ईशू खाली आजकल दूध ही ले रही है क्योंकि आगे बहुत सारे फंक्शन आने वाले हैं। आरती की शादी का फंक्शन तो है ही और एक और फंक्शन उससे पहले आने वाला है जो कि बहुत धूमधाम से मेरे घर होने वाला है। उसके लिए भी आपको टाइम से ही इन्वाइट करूंगी, सभी को आना है उस फंक्शन के लिए जो कि हम लोगों ने भी 5 साल से वेट किया है। 5 नहीं 6 साल हो जाएंगे, हाँ 6 साल से वेट कर रहे थे पूरा परिवार उसके लिए। फाइनली ही वो दिन अब आने ही वाला है कुछ टाइम में, वो वाला फंक्शन। तो यहाँ मैंने मलाई जमाई थी तो वो भी घी निकाल दिया, उसके बाद जो टोकरे में बर्तन थे सबको स्टैंड पर लगा दूंगी। अब बाकी के जो बर्तन मतलब सिंक में पड़े हैं उनको भी साफ करके टोकरी में लगाऊंगी और स्लेब वगैरह है उस सबको अच्छे से साफ करूंगी। और वो फंक्शन लगातार कम से कम 5 से 6 दिन चलने वाला है, बहुत मजा आने वाला है और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा और आप लोगों को तो भी सच्ची में बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि गांव में फंक्शन रहेगा। यहाँ से हम लोग अभी तो नहीं लग जाएगा, मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, थोड़ा ही लगेगा, लेकिन हाँ बहुत जल्दी फंक्शन आएगा और बहुत धूमधाम से करने वाले हैं ये वाला फंक्शन क्योंकि जब इतने टाइम से हमने इंतज़ार किया, अगर हल्का फुल्का करते तो पहले ही कर लेते, लेकिन इतना इंतज़ार किया है तो फिर वही है कि देखिए अच्छे से ही करेंगे। आई पिंकू की नाए नाए हो गई दिखे, गन्नू तो टावल ओढ़ के बैठा, कैसे करे पिंकू, हेलो पिंकू, हेलो तबीयत कैसी है? नहीं है ठीक है, ठीक है। आप पिंकू नहा लिया, नहा के राजा बाबू बन जाएगा, बाल बाल कड़वा के उसके बाद गन्नू बनेगा राजा बाबू है। एक जगह रुकता नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाए ऐसा कपड़े पहनाने। और ये इसके आ रहा है टीवी में ये कार्टून, ये वाला ये कार्टून देखता रहता है। अब गन्नू पहनेगा कप्पा, जानो पसंद है। कितना खाएगा, कटोरी प्लेट भर के थोड़ा खाएगा। सारा खा लेगा तो जीभ निकाल के कैसा बैठा है। तो ये लड्डू इधर मुँह करिए, आहा सारा हलवा खा लेगा बाबू मेरा, इतना खुश होके बैठा है। किसका हलवा बन रहा है ये? अच्छा किसका, सूजी का किसका है? हैं? तेरा हलवा किसका बन पसंद है तुझे, सूजी का आटे का किसका? चून वाला हलवा बन रहा है ये। पिंकू को बेसन का तो कहना आता नहीं, बेसन के हलवा का चून वाला हलवा बोलता है बंदा। बेसन है ये तो। तू यहाँ गर्मी में क्यों बैठा है इस पे? देखो कैसे बैठा से वाला है, इंतजार कर रहा है मेरा हलवा कब बनेगा और मैं कब हलवा खाऊं। मेरा फोन कार्टून नहीं देखेगा, हलवा खाएगा पहले। देख बना दिया गीता ने हलवा, यहाँ भैया सूजी को देख घी डाल के, पिंकू मोटा हो जाएगा ठीक है।
और यहाँ पर पिंकू का हलवा भी बन के तैयार हो गया है, बेसन का मतलब भुन रहा है, अच्छे से भुन गया। अब इसमें पानी और चीनी ऐड करेंगे, उसके बाद फिर से पकाएंगे और हलवा यहाँ पर बन के हो जाएगा तैयार। क्योंकि उसकी तबीयत ऐसी हो रही है, कभी कुछ खाने का मन होता है, कभी कुछ खाने का, तो आज उसकी फरमाइश थी हलवा बनाने की। तो बस यहाँ गीता ने हलवा बना दिया, हमारा सबका खाना पीना कंप्लीट हो गया। और यहाँ देखिए दोनों भाई टीवी देखते देखते सो गए, और पिंकू को देखिए इस तरीके से हाथ रख के ईशू को इतनी हंसी आ रही कि मम्मी वो ऐसे रुक भी लेता है स्टैंड पर हाथ रख के। हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो देखिए वीडियो का एंड मैं आज कर रही हूँ, कल से मेरी वीडियो का एंड नहीं हो पाया है, सारी वीडियो शूट हो गई लेकिन एंड नहीं हुआ। और आज है 10 तारीख यानी वीडियो आज ही जाएगा, और आज है तीज। आप सभी को हैप्पी तीज। हमारे यहाँ पर एक्चुअली ये वाली तीज नहीं करते, जो हरियाली तीज गई है ना वो वाली तीज करते हैं। ये वाली तीज शायद लखनऊ साइड के लोग ज़्यादा करते हैं मतलब। तो भगवान आप सभी के मनोकामनाएं पूरी करें, और सभी को मतलब फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं तीज की। और मुझे ये नहीं मालूम कि इस तीज पर मतलब कैसे पूजा की जाती है, क्योंकि देखे जब करते हैं तो हमें पता होता है कि इस मतलब क्या क्या त्यौहार है, तो क्या तीज पे या किस त्यौहार पे कैसे मनाते हैं, हम नहीं करते हैं तो इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ इसका आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ अच्छा लगता है, जैसे टीवी वगैरह में देखते हैं उस पर कि बहुत अच्छे से धूमधाम से पूजा होती है उस हिसाब से। और कॉल किसी की आने वाली है, पहले फ़ोन अटेंड कर लेती हूँ, बाद में बातें करती हूँ। हाय, तो उस कमरे से इस कमरे में आ गई हूँ, और फ़ोन आ गया था भाई का, और भाई आने वाला है, ईशू उसको लेने के लिए गई है, यही पास में ही रोड पे से लेने के लिए गई है स्कूटी से। तो उसने वही कॉल किया था कि मुझे ले जाओ आ करके, मैं पहुंच गया हूँ जहाँ उसको मतलब पहुंचना था। गाड़ी से आया था, उसके बाद में जहाँ पर मतलब बस स्टैंड है वहाँ उतर गया, उसके बाद में भी ईशू लेने गई है स्कूटी से। और उधर वो दोनों भाई पहुँच गए थे, मैं कि चलिए मैं इस कमरे में एंड कर लेती हूँ और आप लोगों से बातें करके उसके बाद वीडियो एडिटिंग करूँगी तब पब्लिश होगी। नीचे रोड पे से गाने बजाने वाले जा रहे हैं, थोड़ी बहुत अगर आपको आवाज़ आ रही होगी तो इग्नोर कीजिएगा। वैसे मैं बीच में रुक गई काफ़ी देर, क्योंकि होता है ना वो बुग्गी में मतलब जो घोड़े तांगे टाइप के बुग्गी वगैरह होती है उसमें माता की चौकी वगैरह रख करके गाने बजा के ऐसे मांगने के लिए आते हैं। तो बालकनी के इस साइड में ही रोड भी है, कमरे के बालकनी है, और दोनों भाई बाहर कार्टून देखने में लगे हुए हैं। जो मेरा वीडियो गया था भाई का, आप लोगों ने काफ़ी कमेंट वगैरह भी किए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वीडियो का आप लोगों को काफ़ी मतलब पसंद नहीं आ रहे हैं। आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाह रहे हैं आप मुझे उस पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग जो टॉपिक पे देखना चाह रहे हैं, मेरे पास में कई सारे टॉपिक ऐसे थे जो पिछले मतलब 10-12 दिन से पहले से ही मतलब कमेंट आ रहे थे। तो देखिए उन टॉपिक पे तो मैं शायद ही वीडियो बना पाऊंगी, उसके लिए सॉरी है, क्योंकि वो आप लोगों के टॉपिक थे मतलब कुछ कुछ के, जैसे सबके तो नहीं कुछ कुछ के थे। और जाहिर सी बात है देखिए जब हम किसी का वीडियो देखते हैं तो हमें मतलब थोड़ा बहुत तो भाई रहता ही है कि उसके परिवार का सब कुछ जानना, तो सबको है मेरी ससुराल का और ससुराल वालों के लिए जानना ये सब। क्योंकि जो वीडियो मैंने डाला था ना मतलब मैं अपनी सास के पियर या वहाँ गई थी उस टाइम पे, तब मुझे कमेंट कई सारे आ रहे थे कि आप कभी भी नहीं ससुराल वालों के जिक्र करती हो या बताती हो, तो मैं बहुत बार ऐसे तो बता चुकी हूँ। क्योंकि कहते ना देखिए जहाँ हमारा नहीं पटता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, मैं समझती हूँ कि उन सब के बारे में बात करना नहीं चाहिए। और वैसे भी आप लोग वीडियो देखते हैं तो अच्छी अच्छी चीज़ें ही बातें करनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि मतलब होता है ना कि कुछ भाई चैनल खोला है आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे कलर ऐसा हो जाता है, यहाँ पे कलर ऐसा हो जाता है, पता नहीं लाइट सेम है दोनों कमरे, ये देखो हाथ लगा दिया ना यहाँ पे, समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या है, तो वो वाली बात है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग भी वही सब टॉपिक घिसे पिटे सुन सुन के बोर हो जाओ, ऐसा लगता है कुछ नया आप लोगों के साथ शेयर करूं, कुछ नया कोई रेसिपी वगैरह जिससे कि आप लोगों को भी लगे कि हाँ भाई हमने नेट खर्च किया है वीडियो देखी है तो कुछ थोड़ा बहुत अच्छा लगा है। रही बात ससुराल वालों की, तो वो तो कहते हैं ना कि सारी दुनिया एक ही जैसी है, आप लोगों भी मेरी तरह ही और मैं भी आप लोगों के ही जैसी हूँ, सबके छोटा मोटा कुछ ना कुछ उलटा पलटा चलता ही रहता है। कहते हैं चार बर्तन है, कहीं ना कहीं खटकते रहते हैं, कहीं ज़्यादा खटक जाते हैं तो कहीं कम खटकते हैं, लेकिन खटकते जरूर हैं। बाकी का चलिए वो टॉपिक पे तो मैं शायद ही वीडियो कभी नहीं बना पाऊंगी, मेरा नहीं होता यार अंदर से मन, क्या करूं। तो बस इसी और इसके अलावा जो भी टॉपिक हैं आपके वो मुझे बता दीजिएगा। मैं आज इसलिए जिक्र किया है क्योंकि उन्होंने कई बार बोला है कि आप लोग पूछती रहती हो कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, जब हम बोलते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ तो क्या उस पर नहीं बनाना है, ऐसा नहीं है। आप कोई रेसिपी या कुछ भी
उस टॉपिक पे बोलोगे भी बनाऊंगी। और एक टॉपिक तो आपका मुझे रह गया है सच्ची में, सावन का महीना निकल गया, उन्होंने बोला था दूधेश्वर नाथ मंदिर के वीडियो शेयर करो, उसका भी मैं करूंगी। जरूरी नहीं है कि सावन का महीना था तभी करूं, बिना सावन के भी कर दूंगी, लेकिन उस टाइम पे ना बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, नहीं जा पाई मैं। मैंने खुद भी अभी तक नहीं देखा, किसी दिन मैं आपको भी दिखाऊंगी और मैं भी आप लोगों के साथ ही देखूंगी मंदिर को। मैं भी नहीं गई हूँ गाजियाबाद में रहने के बावजूद भी, वो मंदिर मैंने नहीं देखा है। चलिए वीडियो का एंड करूंगी, फिर से भाई की कॉल आने लगी है वेटिंग पे, आज ये मुझे कॉल करता रहेगा, ईशु बल्कि लेने चली गई है इसको। चलिए मैं कॉल अटेंड कर लेती हूँ, फिर मिलूंगी कल, तब तक के लिए बाय बाय।